पूरे प्रदेश के साथ साथ मुरादाबाद में 113 परीक्षा केंद्रों पर यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जारी हैं, जहां शांतिपूर्ण माहौल में नकलविहीन परीक्षाओं को संपन्न कराने के लिए काम किया जा रहा है। बुधवार को सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रथम पाली में हाईस्कूल का अंग्रेजी विषय का पेपर, दूसरी पाली में इंटरमीडिएट अर्थशास्त्र भौतिक विज्ञान विषय का पेपर संपन्न हुआ। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने ठाकुर द्वारा तहसील के सभी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और सभी व्यवस्थाओं को देखने के साथ ये कहा कि शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षाएं संपन्न हो रही हैं, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे की निगाह में परीक्षा संपन्न कराई जा रही है और जिला प्रशासन द्वारा सभी उड़ाका दल समय समय पर परीक्षा केंद्र का निरीक्षण भी कर रहे हैं। उद्देश्य यही है कि नकलविहीन शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा संपन्न हो, जिसको लेकर हम सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। इस दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे का ये कहना है कि हाईस्कूल की परीक्षा 3 मार्च को संपन्न होगी और इंटर की परीक्षा 4 मार्च को होगी। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे का ये कहना है कि सभी के सहयोग से परीक्षाएं संपन्न हो रही हैं।